आज हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल और एक्सेल के फीचर्स के बारे में, और एक्सेल के जो फ्यूचर में यूज होने वाले सीओ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं एक्सेल यूज करने जा रहा हूँ, एक्सेल 21, ठीक है, लेटेस्ट एक्सेल है ऑफिस 365 का, एक्सेल 2021, जिसके बारे में हमें बात करेंगे। इसके अंदर में आपका जो है डेटा एनालिसिस लुकअप, डेटा क्लीनिंग, डेटा पिवट टेबल, माइनस रिपोर्टिंग, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होगा वो हमने पीडीएफ आपको भेजी, उसके थ्रू देख सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं एक्सेल के यूज के बारे में, कि एक्सेल का यूज कहाँ। पहले जानिए एक्सेल है क्या। एक्सेल इज जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। आज से अगर 20 25 30 साल पहले पीछे जाएं, जहां पे कंप्यूटर का चलन बहुत कम था, तो हर डिपार्टमेंट में एक मोटी मोटी रजिस्टर रखा करता था। वो रजिस्टर का काम क्या था? उस रजिस्टर का काम था आपका जो भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सेम काम समझिए एक्सेल से आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। तो हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एसेट, चार्टिंग, ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग यू नीड। लेकिन मोटा मोटी मैंने 5 जो है चीजें निकाली। अगर किसी ने पूछा आपको कि क्या है एक्सेल, क्या कर सकते हैं, उसको आप एक लाइन में समझा सके कि स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज द डेटा, रिप्रेजेंट द डेटा एंड शेयर द डेटा। ओके, तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोर द डेटा। स्टोर द डेटा मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है उसको अपने फॉर्मेट में कुछ इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, रो बाय रो एंट्री की तरह से, ठीक है। जैसे रजिस्टर में हुआ करता था ना सर, रो बाय एंड कॉलम बाय, उसी तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल को एज ए डेटाबेस बना सकते हैं। एक्सेल डेटाबेस नहीं बन सकता। रीजन रीजन सबसे पहले आता है सिक्योरिटी। जैसे फाइल को या सीट को या डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ क्लियर बोल रहा है, इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। मतलब आपने पासवर्ड डाला, भूल ठीक गए तो भूल जाइए डेटा। माइक्रोसॉफ्ट के कोई तरीका नहीं दे रहा रिकवर करने का, और हम तो पासवर्ड भूलते ही हैं। कई बार हमने जीमेल का पासवर्ड को रिकवर किया है क्या? है सर, जी सर, उसके बाद अगर बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें 10 लाख रो ही डाल सकते हैं। 10 लाख रो नाम के लिए है, लेकिन अगर जैसे इसमें 1.5 2 लाख से ऊपर का डेटा डालते हैं, एक्सेल थोड़ा सा बम बोलने लगता है, बोले जी हैंग होने लगता है, ठीक है सर, जी वो सर, जी घूमते रहता है। अब तो सर थोड़ा हो गया, पहले क्या होता था कि यहाँ पे डमरू बन जाता था सर, शुरुआती उस समय जब हम लोग यूज करते थे 98 वगैरह उस समय। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होगी। तो कौन यूज करता है एक्सेल? डेटाबेस हम स्टोर, अगर हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते तो क्या स्टोर करेंगे इसमें, किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे? देखिए इसमें स्टोर करते हैं मिसलेनियस डेटा। सबसे पहले जैसे आप कोई सॉफ्ट, आप अकाउंटिंग यूज करते हो, अकाउंट अकाउंट में टैली यूज करते हो, सैप फिको यूज करते हो, फिर भी आप डेटा को एक्सेल पे डालोगे, किस एंट्री को? जैसे कि पेटी कैश का हो गया, आप 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, उसका थोड़ी आप लेजर बनाएंगे कि फोटो स्टेट लेजर 2 रुपया, पेमेंट बाई कैश, पेमेंट बाई चेक क्या? लेकिन महीने में 10 20 हजार का खर्चा है, हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो जी उस केसेस में सर, क्या होगा? जी उस केसेस में हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप मान लीजिए सर, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं पेरोल के लिए, सैलरी वगैरह बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है एक्सेल पे रखेंगे, किसका? अटेंडेंस का। अटेंडेंस को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। रीजन है कि बहुत सारे स्टाफ ऐसे होते हैं जो ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, वो तो अपना फॉर्म और कार्ड शेयर नहीं कर सकते हैं, समझे? यस यस, इसलिए ओके। तो
मिसलेनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस, जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारे पास डेटा 5-10 हज़ार का ही डेटा होता है और हम सिंगल विंडो सिंगल पीसी पे काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं सिंपली। पहला ओके तो इसका यूज हम एसएमई में कर सकते हैं। तीसरा जो यूज होता है एनालिटिक्स डेटा। एनालिटिक्स डेटा क्या होता है, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें डेटा तो चाहिए होगा ना। अगर मान लीजिए कि मुझे अगर दिसंबर का सेल्स रिपोर्ट बनाना है तो पहले हमें दिसंबर का डेटा डाउनलोड करके रखना होगा, तभी उसके ऊपर हम बना पाएंगे ना सर, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। जी सर। अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो चलिए हम एग्जाम्पल हम बात करते एग्जाम्पल, एक मिनट मैं जाता हूँ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि क्या चाहिए। जैसे ये रिपोर्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं यस क्या? हाँ, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड कह लीजिए, समरी कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए, सब एक ही होता है। रिपोर्ट्स में ऐसा होता है कि थोड़ा सा करेक्टर इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है, डैशबोर्ड में कम होता है, उसमें ग्राफिकल इंटरफेस ज्यादा होता है। समरी कई छोटे छोटे कई सारे रिपोर्ट्स बनाते हैं फिर उसको एक समरी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। जी तो अब आप देखिए कि ये बना हुआ है तो ये डायनेमिक है, अगर स्टैटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बना दिया चल भेज दिया, नॉर्मल पीडीएफ प्रिंट आउट की तरह हो जाता है। बट डायनेमिक करते हैं मतलब कि हमारा केपीआई केपीआई के अकॉर्डिंग चेंज होता है। केपीआई मतलब की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे मुझे अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि फर्नीचर का सेल देखना है, जैसे फर्नीचर पे क्लिक किया तो आप देखिए पूरा रिपोर्ट फर्नीचर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, उसके टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल डिस्काउंट, टोटल प्रॉफिट, ऑर्डर परसेंटेज सब दिख रहा है, चेंज हो गया। चार्ट वगैरह भी चेंज हो गया सारा। तो जी ये चीजें चेंज कब होगी, जब हमारा इसके लिए इसका डेटा होगा तभी चेंज होगा ना। तो यस डेटा को तो होल्ड करना होगा, जैसे यहां पे देखिए मैं डेटा को होल्ड किया हुआ है। जब हम इसको क्लिक करते हैं, मान लिया हमने 8 क्लिक किया, तो पूरा रिपोर्ट जो फॉर्मूला वगैरह लगा हुआ है सारा फॉर्मूला 8 के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करके शो कर देता है। फिर डेटा यस चेंज होता है तो चार्ट भी अपने आप को चेंज कर लेता है। ओके, और ये सब चीजें हम कवर करेंगे। ये देखिए आपका 23वें दिन डेटा चार्ट है आपका, दिख रहा है ना सर, डे 23। यस तो सर। ऐसे सर टोटल बहुत सारे कितने दिन चार्ट्स का कोर्स है? ये आपको टोटल वही 1.5 से 2 महीना चलेगा, 45 घंटे के आसपास चलेगा, 45 से 55 घंटे का। अब कितने दिन में कवर होगा वो तो डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक सर है ना। ये कोई बॉडी बिल्डिंग के कोर्स नहीं है कि हाँ 200 कैप्सूल दे दिया, 200 दिन में आपका बॉडी बिल्डर बन जाइएगा, क्या। सर ओके, तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स होता है। तो हमने बताया आपको कि डेटा स्टोर करते हैं कौन सा, मिसलेनियस एसएमई एंड एनालिटिक्स डेटा। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। देखिए एक्सेल कैलकुलेशन के लिए सबसे परफेक्ट है, क्यों, रीजन ये है कि हम इसमें हमारे पास फॉर्मूले बार में बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्मूलेज अवेलेबल है, जो आपकी आप देख पा रहे अवेलेबल है। यस सर। और इसके अलावा हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ग्रोथ निकालना है कि क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू, क्वार्टर वन में मेरे पास 85 सेल है, क्वार्टर टू हमारा 65 सेल है, तो कितना परसेंट, या 65 90 मान लेते, 90 सेल है तो कितना परसेंट ग्रोथ किया। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो है ग्रोथ के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल ना हो, लेकिन मैथमेटिक पता है कि हमने यहाँ पे किया कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है। यस अब सिंपली हम क्या करेंगे, बोर्ड मास मेथड यूज करते हुए लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट डेसिमल में आया और हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मेट माफ कीजिएगा, परसेंटेज।
परसेंटेज अप्लाई किया, ये आ गया ग्रोथ। और एक्सेल ही ऐसा है एप्लीकेशन जिसमें आप फिल टू फिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब सॉरी सेल टू सेल को। बाकियों में क्या होता है, फिल टू फिल। जी समझ गए? सर, फील्ड टू फील्ड समझ नहीं आया, मतलब ये कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े। तो ये चीजें हम यहां पे कवर करते हैं। दूसरा आता है एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए डेटा एनालिसिस के लिए सबसे अच्छा एक्सेल यूज करते हैं, जैसे अभी रिपोर्ट आपको मैंने बताया। इसके अलावा और भी रिपोर्ट है, चलिए दूसरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये तो है ही, हम दूसरा डैशबोर्ड देखते हैं। तो ये रहा डैशबोर्ड आपका, डे 25 में आते हैं। तो डे 25 में हम आपको ये रिपोर्ट बताएंगे। दिख रहा है सर, ये तो भी इसमें और उसमें क्या आपको, फर्क है? ये अलग है, ये अलग डेटा एनालिटिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं सेल्स डेटा है, और हम इसको इस पे बनाया हुआ है। अलग अलग डेटा पे अलग टाइप ऑफ डैशबोर्ड है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये मंथली यहाँ पे क्लिक है, कि मैं जुलाई क्लिक करूंगा तो जुलाई का रिपोर्ट आएगा, अगस्त करूंगा अगस्त का आएगा, सितंबर सितंबर का आएगा, सितंबर है नहीं तो इसलिए नहीं आया। यहाँ देखिए, ठीक है ना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो अब यहां पे देखिए, अब कुछ लोग बोलते हैं सर रिप्रेजेंटेशन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सेल नहीं पीपीटी यूज करते हैं। लेकिन हम डायनेमिक रिपोर्ट की बात करें कि मुझे जुलाई का देखना है, तो मैं जुलाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे हो गया। लेकिन इसी चीज को आपको पावर पीपीटी में आपको क्या है, अलग अलग सेल में अलग अलग स्लाइड्स में रखना होगा, अलग अलग स्लाइड्स बनाना है। में। लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा आपका डैशबोर्ड और भी है यहाँ पे तेरा, ठीक है। ये जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे 2020 का देखना है, मैं 2020 पे क्लिक करूंगा, पूरा रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग हुआ। मुझे 2020 के अंदर जैन का देखना है तो जनवरी आ जाए, पूरा जनवरी का डेटा आ गया। टोटल 98 क्वांटिटी सेल हुई है, एवरेज MRP 601 है, टोटल स्टॉक इतना है, 98% गया है पूरा। लेकिन उसमें भी मैं जो है ना रांची का देखना चाहता हूँ, या फिर मान लीजिए फरीदाबाद का देखना चाहता हूँ, या उदयपुर का देखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे क्लिक करूंगा रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। समझे? यस तो ये चीजें पीपीटी पे नहीं ना होगी, पावर पॉइंट भी चीजें नहीं होगी। हर किसी के लिए मुझे अलग अलग स्लाइड बनाना पड़ेगा, इसलिए रिप्रेजेंटेशन और एनालिसिस के लिए भी आपका एक्सेल ही परफेक्ट है। ये सारी चीजें हम आपके साथ कवर करेंगे। उसके बाद इसमें हमारा अगला टॉपिक, अगला ऑप्शन आता है शेयरिंग, जो कि सबसे ज्यादा है। देखिए जो रिपोर्ट्स जो डैशबोर्ड दिखाई वो हम यहाँ आपको जो है इससे पावर BI से इजीली बना सकते हैं। आपका पावर BI या टैबलो दिख रहा है आपको, इससे हम इजीली बना सकते हैं। पर प्रॉब्लम है कि अगर मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा तो क्या होगा, वही पर्सन देख पाएगा जिसके पास पावर BI। जिसके पास पावर BI नहीं है वो तो नहीं देख पाएगा। अब एक रिपोर्ट को देखने के लिए कोई आपका 250 MB और 300 MB या 500 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो नहीं करेगा ना सर? इसलिए शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल में बना के भेजते हर कोई देख पाएगा, हर किसी के पास एक्सेल तो है ही नहीं। एक्सेल होगा तो IBM का सिम्फनी होगा, OpenERG होगा, एक्सेल व्यूअर होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो गूगल सीट पे देख लेगा। गूगल इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जब बोलेंगे, कोई शीट पूछेगा कि क्या कर सकते हैं, सिंपल बोलेंगे डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, शेयर द डेटा, सिंपल से यूज है इसका। अब बात आती है कि एक्सेल 2021 में नया क्या क्या है। तो ये लिंक मैंने दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या चीजें, नई फीचर्स आपको इनबिल्ड करके दी है। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। जी उसके बाद बात आती है सैंपल कि किस किस तरह की रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं या क्लास के अंदर बनाएंगे। तो कुछ कटआउट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो है हम
इसमें से मोस्टली रिपोर्ट हम कवर जो है कवर करेंगे इसमें, ठीक है सर। जैसे ये रिपोर्ट दिख ओके रहा है ना, ये रिपोर्ट में पहले पहले दिखाया आपको मैंने, तो ये सब रिपोर्ट्स की हम बताएंगे। दूसरा आता है कि मार्केट में इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बड़ा ही करूंगा ना कि हाँ एक्सेल सीख लीजिए ताकि आप ही सीखे मार्केटिंग, है ना। थोड़ी बोलूंगा नहीं यार एक्सेल का थोड़ा बहुत जॉब मिलता है, ये बात तो नहीं बोलूंगा ना सर। लेकिन एक इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग पहले कोर्स करते हैं देन जॉब सर्च करते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे मेरे फुआ के बेटे ने कोर्स किया है और वो जो है आज जो है इतना लाख का पैकेज कमा रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं क्या। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, पहले आप रिसर्च करें कि अभी जो फिलहाल के मार्केट में जो जॉब्स जॉब मिल रही है क्या क्या है, ताकि उसी हिसाब से आप अपनी नॉलेज को गेन करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कैसे पता चलेगा, तो बहुत सारे जॉब पोर्टल है जैसे कि नौकरी डॉट कॉम है, जैसे कि आपका मोनेस्टर डॉट कॉम है, साइन डॉट कॉम है ना सर, लिंक्डइन भी है, उस पर जाके देख सकते हैं क्या जॉब्स मिल रही है। एक दो कंपनी नहीं, कम से कम 20-25, 30-50 कंपनियों को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने अक्टूबर नवंबर में कुछ जॉब वैकेंसीज के कटआउट निकाले हुए हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या किस किस जी लोकेशन में क्या मांग रहा है। इसमें देखिए इसमें एडवांस एक्सेल डेटा एनालिटिक्स कम्युनिकेशन स्किल्स मांग रहा है। यहाँ देखिए एडवांस एक्सेल वर्ड MIS दिख रहा है ना सर, पांच सिटिकल मैनेजमेंट MS ऑफिस भी मांग रहा है। कंपनी का नाम देख सकते हैं, एरिया लखनऊ है, यहाँ का एरिया दिल्ली है। इसका देखिए ये आपको जो है बिल्स टावर है, ये आपका जो है पैकेज देख सकते हैं, पैकेज कितना है VVA एडवांस एक्सेल के ऊपर, ये आपका मुंबई में है। तो सिर्फ एडवांस एक्सेल के बेस पे 9 लाख का पैकेज मिल जाता आपके सामने दिख रहा है ना सर, देखिए है जी एक्सपीरियंस भी मांग रहा है ना, सर। क्वालिटी सीरियल्स में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका दिख सकता है, आपको SAP भी चाहिए, एक्सेल भी चाहिए, ओरिकल भी चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेल भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद MIS मैनेजर में जा रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए यहाँ पे। यहाँ सर ब्रांच ये MIS जो है इसपे काफी सारे टॉपिक्स होते हैं ना कवर्ड। MIS जैसे प्रोफाइल, जैसे HR होता है, जैसे अकाउंट होता है, ऐसे MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। जो भी हमने डैशबोर्ड वगैरह दिखाई है उस सभी को MIS कहा जाता है, कि मुझे एक नजर में कंपनी की पूरी प्रोडक्टिविटीज या कि पूरी सर्विसेज और हर एक चीज मुझे दिख जाए, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं आगे की। जैसे मान लीजिए कि आपको इंसेंटिव लॉन्च करना है, होली का इंसेंटिव लॉन्च करना है, या होली पे डिस्काउंट लॉन्च करना है, तो क्या लगे उठ के आएंगे बोलेंगे चलो यार 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। आप पहले चेक तो करेंगे कि 10% डिस्काउंट देने से आपका प्रॉफिट में कितना लॉस होगा और कितनी क्वांटिटी सेल होगी जिस कारण से वो लॉस कवर हो। जैसे मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूं तो मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, अगर मान लीजिए मैंने 50% डिस्काउंट कर दिया तो मुझे 10,000 कवर करने के लिए दो बच्चों को पढ़ाना होगा, तभी तो 50 होगा ना सर। और एक ही बच्चे को पढ़ाया डिस्काउंट देकर पढ़ाया तो मेरा नुकसान हो गया। उसी तरह से कंपनी देखती है कि कितना लॉसेज होगा और लॉस को कवर करने के लिए कितनी सेल को गेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद वो एनालिसिस करेगा पीछे की दी गई इंसेंटिव से, कि पीछे जो हमने दिए थे तो क्या क्या लॉस कवर हुआ था। पता चला कि होली में हमने जितना बार डिस्काउंट दिया हम लॉस में गए हैं, तो फिर क्यों जाएंगे लॉस में, समझे ना। दैट कॉल MIS, जी ठीक है। तो ये सारी सर, एक जॉब्स और के डाउट है। कटआउट्स देख पा रहे हैं कि ये सब चीजें। अब ऐसे भी ये तो अक्टूबर नवंबर की है, आप अभी भी जाके Naukri.com पे खोज सकते हैं, देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है पूछिए। सर, VBA एडवांस एक्सेल और VBA एक ही होता नहीं, एडवांस एक्सेल का मतलब हुआ एक्सेल की फीचर्स जो अभी देखा आपने है? उसी हम एडवांस एक्सेल कहते हैं, मतलब ट्रिक्स। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि बेसिक एक्सेल एडवांस एक्सेल क्या होता है।
वैसे मैं यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 30 लिखा, राइट। मैंने 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया सर, तो रिप्लेस हो गया ना। हाँ ये रिप्लेस हो गया। एक से यहां पे हमने रिप्लेस हो गया, सिंपल सा। लेकिन रिप्लेस ना करके हमने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल किया और इसमें मैंने कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई या ऐड, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एडिशन होगा और यहां पेस्ट हो जाएगा, हो गया। इसको हम यस बेसिक सर, कह सकते हैं कि टॉपिक कैसे इंप्लीमेंट हुआ हो। लेकिन किसी के एडवांस टॉपिक एडवांस सेक्शन में पढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ाएंगे हम कि हमारा परसेंटेज सिस्टम क्या है। तो जैसे मैंने 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल देंगे, एंटर मारेंगे, तब जाके 20% आएगा, ठीक है। अगर 20% लिख के फिर इसके परसेंट का सिंबल लगाया तो 2000% आएगा, मतलब कि 1 इक्वल टू 100% होता है एक्सेल में। बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 टाइप करें, देन इसके ऊपर परसेंटेज लगाएंगे तो 20% हो। अब यही एक प्रॉब्लम होती थी कि हमारे कलीग हमें डेटा भेजते थे और डेटा में वो क्या करते थे, परसेंटेज का हेडिंग दे देते थे और नंबर में लिख के इस तरह से डेटा मुझे भेज देते, ठीक है। यस। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हुआ कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 500 का अगर 30% निकालना है, अगर 30% में हुआ तो हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिजल्ट आएगा। 30 नंबर में होगा तो प्रॉब्लम होगी कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, देन फॉर्मूले को मुझे चेंज करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस डेटा को जहां यूज करना है वहां और भी डेटा के साथ कैलकुलेशन है, वहां पे हमारा परसेंटेज सिस्टम चल रहा है। सो मुझे यहीं पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके और फिर लेके जाना होगा अपने डेटा में। तो कैसे करें कन्वर्ट, इसके दो तरीके हैं कि मैं एक एक करके जाऊं, F2 प्रेस करूं, परसेंटेज का सिंबल ऐड करूं, एंटर प्रेस करूं, F2 प्रेस करूं, परसेंटेज का सिंबल ऐड करूं और एंटर प्रेस करूं, जो कि होने वाला नहीं है। डेटा अगर 10-20 हजार है तो क्या, तो दूसरा तरीका है कि मैं इसको 0.30 में कन्वर्ट करूं, 0.53 में कन्वर्ट करूं, देन परसेंटेज का सैंपल लगाऊं। तो बोलेगा ये भी तो मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ करना पड़ेगा मैनुअल, लेकिन इसका एक तरीका है, अभी जो मैंने बताया आपको डिवाइड वाला, वो सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी एक सेल पे 100 को रखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड एंड ओके, हो गया सर। अब देखिए कंपेयर कीजिए कि इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया पेस्ट स्पेशल विद कैलकुलेशन का, तो आप सोचे छोटा चीज एडिशन करता है क्या करना है, लेकिन जब इसी चीज को मैंने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ रिलेट किया तो आप बोले यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो दिस इज द एडवांस सेक्शन, समझे, कि चीजों को हम अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, वही हमारा एडवांस सेक्शन कहलाता है। और ये चीजें आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल ही सिखा सकता है, फ्रेशर नहीं सिखा सकता, या फिर एक ट्रेनर नहीं सिखा सकता, कि ट्रेनर एक सिलेबस को फॉलो करता है, बुक्स को फॉलो करता है, ओके लेकिन हम जो फॉलो करते हैं, हमारे 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब पे मिलने वाले कमेंट के रूप में, क्वेश्चंस कॉल के जरिए पूछने आने वाले क्वेश्चंस को हम एक क्लब करते हैं और फिर उसके हिसाब से हर साल कोर्स को रिवाइज करते हैं। मेरे आप जाएं यूट्यूब पे 10,000 वीडियोज है एक ही टॉपिक के, आपको 100 वीडियोज मिल जाएंगी, 100 के अंदर में डिफरेंट होगा, ठीक है ना, इसलिए ओके। तो ये फाइल जो है आपको मैंने व्हाट्सएप कर देता हूं, कल इसी समय हम मिलेंगे आपके साथ, ठीक है सर।
जी सर, ओके तो कल से इसी टाइम में बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोग इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। रिकॉर्डिंग तो आपने कर ही लिया है, रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं फाइल भेज देता हूँ। हर क्लास की फाइल और उसकी रिकॉर्डिंग आपको एवरीडे मिलेगी।